हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम का। सो गाइस, एक मिनट डोर बंद कर देती हूँ। अभी अभी एक वीडियो अपलोड हुआ है और वो है गैस बर्नर क्लीनिंग का। तो वो वीडियो मैंने अभी अभी अपलोड किया है और मैं रेडी हो चुकी हूँ और हम लोग जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल के ब्लॉग में बताया था, तो हम लोग जा रहे हैं बहरम। तो वहाँ पर मेला होता है और वहाँ पे क्या बोलते हैं, तो बहरम बाबा का मंदिर है, तो दर्शन के लिए जा रहे हैं जैसे कि हर साल जाते हैं हम लोग। तो इसी वजह से अब लोग रेडी हो चुके हैं और हर बार की तरह श्रीकांत का वेट कर रहे हैं। श्रीकांत अभी भी आया नहीं है और आप लोगों को पता नहीं पीछे से आवाज़ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये पीछे मंदिर है हमारे घर के पीछे, तो वहाँ पर ना आज वो है, खाना है वहाँ पे। 7 दिन से वहाँ पर सप्ताह था और वहाँ पर भजन ही चल रहा था, तो इसी वजह से वहाँ पर ना जोर जोर से, मतलब क्या बोलते हैं, माइक में भजन गाए जाते थे। तो घर के, मतलब मेरे घर के पीछे ही है, तो इसी वजह से ना बेडरूम वाले खिड़की में से इतनी जोर से आवाज़ आती है। रात को भजन होते थे तो सोने के लिए भी नहीं मिल रहा था, तो इसी वजह से ना कल रात को क्या हुआ कि कल रात को इतनी देर तक उन्होंने 2 बजे 3 बजे तक भजन गाए, तो इसी वजह से ना मेरा वीडियो ही अपलोड नहीं, मतलब वीडियो ही एडिट नहीं हुआ। उसके पीछे पीछे बैकग्राउंड वाइज देना था और मुझे आवाज़ आती, तो इसी वजह से मैं थक गई थी बहुत। पहले ही मैंने बताया था आपको कि बहुत थक गई हूँ, उसके बाद मैं सोई गई, वीडियो एडिट ही नहीं हुआ। और फिर क्या हुआ कि मेरी आँख खुली 3:30 बजे, तो मैंने 3:30 बजे वीडियो एडिट किया और तब जाके आपको वीडियो सुबह 7:30 बजे मिला। तो ऐसे करके, और मेरे एक सब्सक्राइबर उससे पूछ भी रही थी कि आप सोते कब हो और क्या करते हो, तो मुझे उस टाइम हंसी भी आ रही थी। और ना मैं सोती हूँ 1 या 1:30 बजे, मतलब डेली, क्योंकि वीडियो एडिट करना होता है, फिर अपलोडिंग के लिए डालना होता है, तब जाके आपको सुबह वीडियो मिलता है। नहीं तो फिर नेटवर्क का प्रॉब्लम, आपको बताया ही था मैंने कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है यहाँ पर, दिन दिन भर वीडियो अपलोडिंग के लिए डालना पड़ता था और फिर वीडियो अपलोड ही नहीं होता था। रात को वीडियो अपलोड होता था, कोई दिखता भी नहीं था, तो इसी वजह से हम लोग इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। यह आपको कितनी बार बताती हूँ, और आप लोग एक लाइक के लिए कंजूसी करते हो, और मैं इतनी बार आपको बोलती हूँ कि लाइक कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, और मतलब लाइक के लिए पैसे थोड़ी ना लगते हैं, फिर भी आप लोग लाइक के लिए कंजूसी करते हो। बट जाने दीजिए, मतलब अपना अपना है, नहीं पसंद आता होगा इसीलिए नहीं लाइक करते हो, और कुछ डिसलाइक करने वाले भी आ जाते हैं उसमें, और डिसलाइक करने वाले डिसलाइक करना नहीं भूलते, और वो डिसलाइक करके ज़रूर जाते हैं। आप लोग देखते हो बट लाइक नहीं करते हो, तो चलिए कोई बात नहीं। और हाँ, अभी निकलने वाला है थोड़ी देर में, तो बस रेडी हो चुकी हूँ। और मैं ना, मुझे ना रेडी होके थोड़ा सा वो बैठना मुझे बहुत ज़्यादा जान पे आता है, और बट ना श्रीकांत का पेपर था, तो इसी वजह से, मतलब उसका पेपर भी ज़रूरी था, वो हुआ और मैंने वीडियो बनाया था, तो यहाँ पर ट्राइपॉड रख दिया था। तो और हाँ, गैस बर्नर की क्लीनिंग का वीडियो ज़रूर देखना अगर आपने नहीं देखा है, तो इससे पहले ही अपलोड हुआ है वो। वहाँ पे ना पानी अच्छा नहीं है, इसी वजह से हम लोग ना कैंपर भर के लेके जा रहे हैं घर से ही, तो अच्छा हो गया याद दिलाया इन्होंने। अभी आ गया है श्रीकांत भी चेंज करने के लिए गया है घर पे, और यहाँ पर भर लेती हूँ कैंपर। यूजन थ्रो वाले ग्लास ले लो। अरे ये मुझसे उठाया नहीं जा रहा ना, ये मैं ले लेती हूँ बस कैंपर। सोपा होता एकदम तसे, याची सेटिंग है ना, साफ करून दिलती गाइज, यहाँ पर हम लोग रुक गए हैं और इन्हें कुछ काम था तो ये उतर गए हैं, बाहर गए हैं,
और ना बच्चे वेट कर रहे होंगे यार, मेरे मतलब मेरा मन नहीं लग रहा है, बच्चे वेट कर रहे हैं, कॉल पे कॉल किए जा रही है माही, क्योंकि वो लोग पहुंच गए हैं, मम्मी पापा और भाई वहाँ पर पहुंच गए हैं, क्योंकि हम लोग लेट निकले तो इस वजह से हम लोगों को पहुंचने में थोड़ा सा टाइम है, तो बच्चे वेट कर रहे हैं वहाँ पे। अद्विक का तो कुछ नहीं है, अद्विक तो कहीं पर भी मस्त मौला है, वो कहीं पर भी एडजस्ट हो जाता है, बट थोड़ा सा माही को लगता है, माही को भी हो जाता है, बट माही को लगता था कि जल्दी से हम लोग आए और थोड़ा सा एंजॉय हो जाए उसका, बट अभी देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं, यहाँ से थोड़ा सा 15 मिनट का ही रास्ता है, तो यहाँ पर रुके हैं, कुछ काम था तो वो काम कर लेंगे ये और जाएंगे वहां पर। मैं बच्चों से मिलके बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी। ये देखो आ गए हैं, एक ही दिन हुआ है लेकिन गुड क्या चला। मॉर्निंग। गाइज यहाँ पर हमारा मंदिर में दर्शन हो गया था, तो हम लोग निकले थे जाने के लिए नीचे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से जाऊँ क्या नहीं, और आज ना संडे था तो हमारा ध्यान से निकल गया था कि संडे के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे, और आप देख सकते हो नीचे गाड़ियों गाड़ियों का पार्किंग का देखिए कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ है, और ये तो मैंने एक ही बार दिखाया आपको, पार्किंग बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, मतलब गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी, और लोग तो इतने थे कि किसी अगर घूम गए ना तो दिखेगी भी नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग मैंने दिखाई है आपको, मतलब शूट भी करना नहीं हो रहा था, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वहाँ पे क्या करूँ, और अद्विक भी परेशान कर रहा था, यहाँ पर अद्विक को बैठना था वहाँ पे वो ड्रैगन में, तो पहले श्रीकांत लेके गया था उसे ड्रैगन में, और उसने फिर रोने लगा, वो बोल रहा था कि नहीं मम्मा आनी चाहिए वहाँ पे, मम्मा चाहिए, तो इस वजह से मैं चली गई थी, और मुझे बाप मैं तो पकड़ के बैठ गई थी एकदम से, बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन वहाँ पे पहले तो मैंने श्रीकांत को मना किया था कि मैं नहीं आऊँगी घर के, बट ये अद्विक की वजह से वहाँ पर जाना पड़ा, और अद्विक बाद में रोने भी लगा था क्योंकि उसको फिर बाद में डर लगने लगा था, आप देखना बाद में कि वो रोने लगा था अद्विक बोला हाय करो हाय करो, अभी तो उसको बाद पहले तो उसको बहुत मज़ा आया, बोल रहा था कि सबसे आगे बैठना है सबसे आगे बैठना है, सबसे आगे बैठ गए थे हम लोग, फिर अभी रोने लग गया था, उसका मुंह देखिए आप, उसका मुंह तो देखने लायक हो गया था फिर बाद में। और ना माही और मेरा जो छोटा भाई है वो जॉइंट व्हील में बैठने गए थे, उससे जॉइंट व्हील में बैठना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है माही को, और वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा लाइन थी, तो इसी वजह से मैं मुझे जान पे आ रहा था वहाँ पे बैठना, तो इसी वजह से वो ना छोटा भाई लेके गया था उसे जॉइंट व्हील में बैठने के लिए, और हम अद्विक को लेके आए थे यहाँ पर बैठने के लिए, और यहाँ पर ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे अद्विक को स्कूल से लाया है मैंने, और जिद कर रहा था कि अंकल के यहाँ पे जाना है आंटी के यहाँ पे जाना है। ये है श्रीकांत का घर, मैंने जैसे कि आपको हमेशा बताया है कि ये श्रीकांत का घर है, अंकल आंटी के पास अद्विक बहुत ज़्यादा रहा है बचपन में भी, तो इसी वजह से उसको बहुत ज़्यादा लगाव है उनसे, तो जब भी हम लोग बाहर निकलते हैं या अंकल आंटी के घर के पास से जाते हैं, मतलब पड़ोस में ही रहते हैं लेकिन वहाँ से जाते हैं, तो ये जिद करने लगता है कि यहाँ पर जाना है करके, तो अंकल आंटी को भी बहुत अच्छा लगता है उसके, मतलब उस वो जब भी आता है घर पर और एक दिन भी नहीं जाता है ना, तो वो फ़ोन करने लगते हैं कॉल करने लगते हैं कि अद्विक क्यों नहीं आया करके, और यहाँ से स्कूल से आने के बाद तो उसको जाना ही जाना होता है आंटी के यहाँ पे अंकल के यहाँ पे उसको मिलना होता है, और ये भी अंकल आंटी का फेस तो देखने लायक हो जाता है उससे मिलने के बाद, और वो बहुत ज़्यादा ज़िद करता है वहाँ पे, जैसे घर में करता है ना वैसे ही उनसे मतलब झगड़ा करने लगता है, ज़िद करने लगता है वहाँ पे, मुझे यही चाहिए वही चाहिए सारी चीज़ें, मतलब वहाँ पर उसका सेकंड घर ही है ये, जैसे आप देख लो कि उसके जाने के बाद सारा माहौल ही चेंज हो जाता है घर का, और बस वो अभी यहाँ पर देखिए बिल्कुल मतलब घर के जैसे ही वो यहाँ पर स्लैब पे बैठ जाएगा, उसके बाद आंटी से जिद करेगा दूध चाहिए ये चाहिए वो चाहिए खाने के लिए, सबसे पहले ज़्यादा जाने के बाद तो आंटी उसको खाना ही देती है, खाने के बाद वो बाद में फिर दूध मांगता है, उसके बाद फिर आंटी को ऐसे ही परेशान करता है, अंकल को परेशान करता है, परेशान हो जाने के बाद मतलब सारे लोग परेशान हो जाने के बाद फिर घर पे आता है, फिर मैं ही सोचती हूँ कि चलो अभी घर पे चलो बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया आपने, और फिर इसके बाद फिर घर पे चले आते हैं हम लोग, तो ऐसे ही हमारा होता है, और जब भी घर पे उसको अच्छा नहीं लगता है अद्विक को तो वो जाके अंकल के यहाँ पे जाता है वो, और वहाँ पर ही उनको परेशान करता है। अंकल आंटी को दो बच्चे हैं, एक बेटी है श्रद्धा, श्रद्धा से भी आप मिल चुके हो, और एक श्रीकांत, श्रीकांत से तो आप डेली मिलते हो, तो श्रीकांत भी ड्यूटी पे रहता है दिन भर, और श्रद्धा भी यहाँ पर नहीं है जॉब की वजह से, वो पूना में है, तो इसी वजह से उनके घर में कोई नहीं रहता है, मतलब अंकल आंटी रहते हैं, तो इसी वजह से उनका टाइम पास बिल्कुल नहीं होता है, तो अद्विक जाता है तो उनका टाइम पास होता है, और उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अद्विक की वजह से, तो इसी वजह से अद्विक वहाँ पर परेशान करने के लिए चला ही जाता है। अद्विक घाल स्वेटर
सो गाइस मैं अद्विक को लेके आई हूँ घर पे स्कूल से, और उधर से हम लोग अंकल के घर गए थे। आंटी ने उसको दूध वगैरह पिलाया सारे, मतलब वहाँ पर ही जिद करता है पहले तो जाने के लिए। और हाँ, फेस पे आज कुछ भी नहीं लगाया है। कैसे दिख रही हूँ मैं? फेस पे ना आज कुछ भी नहीं लगाया है मैंने, मतलब लिपस्टिक और काजल लाइनर लगाया है। फेस पे इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ड्राई ड्राई सी लग रही है मुझे, बहुत ज़्यादा स्किन ऐसी ड्राई लग रही है आज, क्योंकि हम लोग 2 दिन से घूम ही रहे इधर उधर ना, तो इसी वजह से थोड़ा सा पता नहीं स्किन को क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा ड्राई लग रही है। स्वेटर पहनो, पहले स्वेटर पहनो, स्लीवलेस पहनो, स्वेटर पहनो, उसके ऊपर वो जर्किन पहन लो बेटा, जर्किन पहन लो। और हाँ, किसी ने पूछा था मुझसे कि श्रीकांत कौन है, तो श्रीकांत डियर मेरा भाई है, वो मुंहबोला भाई है बट मेरे लिए सगे भाई जैसा ही है। और वो ना पड़ोस के आंटी का बेटा है, मतलब अभी हम लोग जिनके यहाँ पे गए थे उन्होंने मुझे बेटी माना है, तो इसी वजह से हमारा रिश्ता जो है वो बहन भाई का है। और ज़्यादातर हम लोग एक दूसरे के घर ही रहते हैं, मतलब ज़्यादातर मैं, अगर मेरे घर में मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं उनके ही यहाँ पे रहती हूँ, क्योंकि यूट्यूब की वजह से मेरा जाना नहीं होता है ज़्यादा। नहीं तो पहले तो ऐसा होता था कि दिन दिन भर मैं उनके यहाँ पे ही रहती थी, मुझे घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था अकेली में। और अद्विक भी पूरा उनके यहाँ पे ही रहता है, मतलब जब भी उसको घर में अच्छा नहीं लगता है तो दिन भर उनके यहाँ पे रहता है, वह खाना भी उनके यहाँ पे खाता है, सारा उनके यहाँ पे ही होता है उसका। तो अद्विक का तो वो दूसरा घर ही है, मतलब मेरा भी मायका है बट अद्विक का वो दूसरा घर ही है। तो इसी वजह से मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया। काफी लोग पूछ रहे थे, पहले किसी ने पूछा था मुझसे कि आपका भाई आपके घर में क्यों रहता है, तो मैं आपको बता दूं कि वो मेरे घर पे नहीं रहता है, बट हमारा उसके बिना नहीं होता है। अगर हम लोग डिनर भी करते हैं तो उसकी याद आती है, हमारे सिर्फ लंच के टाइम में होता है कि वो ड्यूटी जाता है तो वो ड्यूटी में उधर ही उसका लंच होता है, बट डिनर के टाइम में हमें अगर कुछ स्पेशल डिनर हो तो उसकी याद आती ही है हमें, तो इसी वजह से वो हमारे यहाँ पे डिनर वगैरह करता है। आप लोगों को लगता होगा कि वो हमारे यहाँ पे रहता है तो हमारे यहाँ पे नहीं रहता है वो, बस इतना ही आपको क्लियर करना था मुझे। और हाँ, किसी ने सोफा कवर के बारे में भी पूछा था कि ये सोफा कवर कहाँ से ली है, तो ये सोफा कवर डियर इसका मतलब वो होता है, एक मिनट मुझे बताने दो, ये जो होता है ना इसका मतलब पूरा रोल होता है, तो हमें जितना चाहिए है तो वो हमने काट के लिया था। उन्होंने उनको हमने बताया था कि इतने बाय इतने का सोफा है और उसका मेजरमेंट लिया था हमने, और उसके बाद हमने वहां से कटवा के लाया था, क्योंकि हमारे सोफे से ये पूरा मैच हो रहा था, ये जो डिजाइन है पूरे हमारे सोफे से मैच हो रही थी, इसी वजह से हमने ये लिया है। तो ये ना हमें मतलब लकीली मिल गया है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने मतलब वहां पर ऑर्डर दी है कि या कुछ, तो हमें लकीली मिल गया था ये, मतलब सेम मैचिंग का, तो इसी वजह से हमने ये वाला लिया था। और सारे सोफे पे ये डाला हुआ है, मतलब पूरा मैच हो चुका है ये, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब इसमें शाइनिंग भी है, और जो हमारे सोफे में शाइनिंग है मतलब जैसे क्रीम कलर जो है हमारे सोफे में उसमें भी थोड़ी सी शाइन है, तो ये शाइनिंग का कपड़ा है थोड़ा सा, मतलब ये जो लेदर है वो शाइनिंग का है, तो इसी वजह से ये भी हमें शाइनिंग का ही मिल गया। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आज बता ही देती हूँ आपको, काफ़ी लोग सोफा कवर के बारे में पूछ रहे थे और सोफा कवर की लिंक भी मांग रहे थे, बट मतलब ऑफ वाइट एंड ब्राउन कलर की हॉल की थीम है, तो इसी वजह से मैंने सारा ऑफ वाइट एंड ब्राउन कलर का लिया है मैंने, जैसे कि आप देख सकते हो पर्दे भी वैसे ही है ऑफ वाइट एंड ब्राउन कलर के, तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ऑफ वाइट एंड ब्राउन कलर की रखी है। सोफा भी जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर वो है, यहाँ पर अद्विक सॉक्स पहन रहा है एक दूसरा, और एक दूसरा मतलब दूसरा पैर, मतलब एक दूसरे पैर में से लिया है उसने और एक दूसरे पैर में से लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे, आओ इधर इधर आओ इधर, हाँ ये देखो अद्विक ने अद्विक की सॉक्स दिखा, ये एक दूसरे पैर में से है और ये एक दूसरे पैर में से है, ठीक है कोई बात नहीं चलेगा, सिर्फ सॉक्स इसलिए होते हैं बेटा कि आपके पैर पर ठंडी ना लगे इसी वजह से। और वहाँ पर जो आप फर्नीचर भी देख रहे हो तो वो भी ऑफ वाइट एंड ब्राउन कलर में ही है, तो ऐसी थीम है, फर्नीचर चेंज करना है एक्चुअली यहाँ का हमें, क्योंकि ये ऐसे ही बनाया था हमने जल्दबाजी में, तो इसी वजह से फर्नीचर चेंज करना है, फर्नीचर मीन्स टीवी यूनिट ही चेंज करनी है हमें, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है, सोफा यही रहेगा, सिर्फ टीवी यूनिट चेंज करनी है। और वो कब करेंगे वो पता नहीं है, जब भी करेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे ही, और बस इतना ही बताना था आपको। और काफ़ी लोग कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे आंसर उसमें कमेंट में देना नहीं होता है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। आई होप गाइज आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, बस आज कुछ नहीं इस ब्लॉग में बताने के लिए। और अद्विक को स्वेटर पहना दूंगी अभी, जर्किन पहना दूंगी क्योंकि आज ठंडी, हाँ ठंडी हवा बहुत चल रही है, और बच्चों को एक दिनों के बाद भी मिल रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों को कितने हाँ कितने दिनों के बाद मिल रही हूँ मैं बच्चों को, और ऐसा लग रहा है कि कितने साल हो गए, कल तो इतना ऐसा लग रहा था कि एक दिन मैंने बच्चों को नहीं देखा था तो ऐसा लग रहा था कि कितने साल हो गए मैं मिली नहीं बच्चों को,
तो ऐसे ही होता है, जब बच्चे थोड़ा सा दूर हो जाते हैं माँ बाप से तो बच्चों की वैल्यू समझ में आती है कि क्या वैल्यू है बच्चों की। और बच्चों के बिना घर ना बिल्कुल सुना हो जाता है यार। जाने के टाइम मुझे इतना नहीं लगा था, मतलब ये गया था अद्विक और माही तब मैं मुझे इतना नहीं लगा था, बट जब वो चले गए। कहाँ लग गया? कुछ भी नहीं है, झूठा मूठा नाटक करता है सिर्फ। यहाँ पे कहाँ है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाटक करता है। तो तब समझ में आया बच्चों की वैल्यू। एंडी नहीं कर पाई थी कल। और क्या हुआ था कि कल रात को बहुत ज्यादा लेट हो गया था हमें घर पे आने के लिए। और वहाँ उसके बाद ना मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, क्योंकि परसों भी हमने ट्रैवलिंग किया, आकल भी उसकी वजह से। और वहां पर ना रास्ता बहुत खराब है, मतलब घाट का रास्ता है ऐसे, मतलब वो बोलते हैं ना जिगजैग वाला, तो वो रास्ता है थोड़ा सा यहाँ से जाने के लिए, तो बहुत ज्यादा मुझे मुश्किल हो जाती है वैसे रास्ते में। तो इसी वजह से मुझे व्लॉग को एंड करने का मन ही नहीं किया। उधर से आने के बाद मैं सो गई तुरंत। तो इसी वजह से मैंने आज रेसिपी ही अपलोड की है, सांभर की रेसिपी मुझे अपलोड करनी थी, इसी वजह से मैंने सांभर की रेसिपी अपलोड कर दी आपके लिए। आई होप आप समझ जाओगे, थोड़ा सा थक गई थी। और बस इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से अगर कोई मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय बाय। ज़्यादा ही प्यार आ रहा है।